Disclaimer: The views given in this video are for academic purposes only and are in no way a buy-sell suggestion. The speaker is not a SEBI registered analyst. For any buy-sell suggestion, please refer to your financial advisor. Do not construe any information or material given in this video as legal, tax, investment, financial, professional, or any other advice. नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बर्निंग टॉपिक है, हर बंदा चाहता है कि भाई बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी डे होती है उसमें क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको पता है जीरो हीरो स्ट्रेटजी है वो क्या बेसिस है और किस तरह से चलती है। उस पर कई लोगों ने कहा कि वीडियो दिया जाए, तो आज मैं उसी को ही आपके सामने लेकर आया हूँ। उसी स्ट्रेटजी को जो मैं हर एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी में करता हूं। दोस्तों, जीरो हीरो स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, चलिए देखते हैं कि साहब किस तरह से हम लोग कर सकते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में अपने आनंद ले सकते हैं प्रॉफिट का। तो पहले समझेंगे कि क्या बेसिस है इस ट्रेड का, जो हम जीरो हीरो स्ट्रेटजी करते हैं उसका बेसिस क्या है। सबसे पहले तो नाम ही काफी है, जीरो हीरो। तो ये नाम क्या कहता है कि भाई जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो बहुत कम पैसे लगा रहे हैं, लेकिन कम पैसों का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो नहीं हो सकता। वो आपको हीरो बना सकता है, आपके पैसे बढ़ा सकता है, आपके पैसे दुगने कर सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है। बट रिमेम्बर कि उसका नाम ही जीरो हीरो है। तो अगर नाम ही जीरो हीरो है तो जीरो होने के लिए अगर तैयार हैं तभी आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल कितना यूज करना है वो भी बहुत ध्यान से। ये नहीं है कि आपको 10 लॉट कॉल ले लिए, 10 लॉट पुट ले लिए। नहीं 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 ऐसा नहीं करना कि जितना कैपिटल है सारे का सारा झोंक दिया। नहीं, कैपिटल उतना ही लगाना है, यूज योर कैपिटल जुडिशियसली। क्योंकि कैपिटल उतना ही लगाइएगा जितना आप जीरो करने के लिए तैयार हैं। कोई लोग ऐसा होता है जिसको लगता है 5,000, 7,000, 10,000 तक मैं यूज कर सकता हूं, तो उसी हिसाब से कोई होता है 2,500 यूज कर सकता है, तो उसी हिसाब से इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। और साहब, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एवरेजिंग नहीं की जाती। चलिए अब समझेंगे कि क्या है ट्रेड और कब करना है ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल। अराउंड 11:30, 11:15, 11:30 के करीब आपने एक स्ट्रैंगल बाय करना है। क्या करना है? लॉन्ग करना है एक स्ट्रैंगल को। अब आप कहेंगे ये लॉन्ग क्या होता है स्ट्रैंगल, मतलब एक सीई बाय कर ली और एक पीई बाय कर ली। बट स्ट्रैंगल में आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस लेने हैं। डिफरेंट में क्या है, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल, कॉल का मतलब जो भी ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस है, नियरेस्ट ऊपर वाला, वो आपके लिए कॉल का प्राइस हो, वो आपके लिए कॉल का स्ट्राइक होगा। और जो आपके नियरेस्ट नीचे वाला है उस समय मार्केट में, वो आपके लिए पुट का स्ट्राइक प्राइस होगा। जैसे मान लिया अगर निफ्टी 45,345 पर चल रहा है, तो उस केस में आपको 45,400 का कॉल और 45,300 का एक पुट लेना है। बट अब ठीक है साहब, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। बट क्या इसमें कोई और शर्त भी है? जी हाँ, वो भी शर्त है। आपको ये याद रखना है कि जो कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी है वो लेस देन 160 हो। अब आप कहेंगे लेस देन 160 का क्या भाव हुआ? मतलब हो सकता है कि आपको 45,345 के आसपास अगर जब है तो कॉल हो सकता है 90 रुपए पे मिल रही हो, 70 या 60 रुपए पे मिल रही हो सकता है पुट। उसी हिसाब से आपको कॉल या पुट की स्ट्रेटजी टोटल कॉस्ट देखनी है कि कॉल और पुट दोनों का भाव अगर एक एक लॉट ले रहे हैं तो उसका भाव 160 से ऊपर दोनों का नहीं होना चाहिए मिला के। क्यों? अब आप कहेंगे कि इसका भाव क्या हुआ, मतलब कि कम से कम कितने में की जा सकती है? देखिए, 160 से कम जितना भी हो बेहतर है। 140 पे मिल रहा है, 145 पे मिल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 160 ही रखना है। अब अगर आप 160 की टोटल कॉस्ट लेकर चलते हैं तो आपकी टोटल स्ट्रेटजी की कॉस्ट बैठती है 2,400 रुपया। सिर्फ 2,400 रुपया लगा है आपका इस स्ट्रेटजी में, सिर्फ और सिर्फ 2,400। अब बेसिस में जैसे आपको मैंने बताया कि भाई अब आपको मालूम है ये 11:30 बजे की है, हमने अगले आधे से पौने घंटे में, 1 घंटे में आपने अक्सर देखा होगा कि कम से कम 150 से 200 पॉइंट ऊपर या नीचे मार्केट को जाते हुए आप देखेंगे। जब आप ऐसा होते हुए देखेंगे तो एक साइड आपकी 160 प्लस जाएगी, ऐसा अक्सर होता है। मैंने ये नहीं कहा जाएगी ही जाएगी, अक्सर ऐसा होता है कि 160 प्लस एक साइड जाती है। जब आपकी वो 160 प्लस जाती है साइड, तो आप अगर चाहें तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं जैसे ही एक साइड 160 प्लस जाती है।
कई बार आपको दिखेगा कि भाई एक साइड 160 प्लस चली गई है, दूसरी साइड में क्या निकल जाए, निकलना चाहे तो बिल्कुल निकल सकते हैं, अब आप लॉस में नहीं है क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी की कॉस्ट ही 160 की। अब दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद आपको उतार चढ़ाव पता ही है, मार्केट के होते हैं, तो हो सकता है कि अगर एक साइड में आपको पैसा सुबह बन गया है, यानी कि उस 160 प्लस जा चुकी है, तो दूसरी वाली वैसे तो उस समय भी वो ज्यादा नहीं तो 30, 35, 40 कुछ ना कुछ 50 रुपए पे वो होगी, तो वो आपका टोटल एकदम बेनिफिट है, पूरे का पूरा प्रॉफिट है वो 40 रुपए 50 रुपए आपका। बट फिर भी अगर आप सोचते हैं कि नहीं रुक सकते हैं तो आप रुक सकते हैं, 160 एक तरफ लिया है, तो कई बार मैंने ऐसा किया है कि दूसरी तरफ भी मैंने 150 160 लेकर ही निकला हूं। तो कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन इस चीज में एक दो और चीजें भी ध्यान देने वाली हैं, वो क्या है, फिर से रिमेंबर करते हैं हम, याद करते हैं कि क्या बोला गया है, ओनली यूज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू मे बी रेडी टू लूज, उतना ही कैपिटल इस्तेमाल करना है जितना आप जाने देने के लिए तैयार हो, लॉस कर सकते हो, जीरो कर सकते हो उतना कैपिटल को, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग 4 4 5 5 लाख रुपए लगा देते हैं जीरो हीरो पे, नहीं भाई जीरो हीरो है उसको जीरो हीरो की तरह ही लो, जीरो हीरो को नॉर्मल ट्रेड की तरह मत लो, दिस इज अ जीरो हीरो ट्रेड, चल गया तो हीरो बना देगा, नहीं चला तो जीरो बना के ही छोड़ेगा, और आपको मालूम है एक्सपायरी डेज वाले दिन तो प्रीमियम जीरो होने ही है, आप तो इस चीज से बच के थोड़ा रहिएगा। दूसरी तरफ एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपका एक साइड का 160 आ गया, 165 आ गया, जो भी आपकी कंबाइंड कॉस्ट है एक साइड पे आ गई, तो लोग क्या करते हैं वहां पर, या तो बुक करते ही नहीं है, या फिर कम से कम इतना कर लीजिएगा कि ऊपर जा रहा है तो ट्रेल कीजिएगा अपने एसएल को, ट्रेल करते रहिएगा, 160 के ऊपर जाते ही उसको ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिएगा एसएल को, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 160 160 प्लस पे जब जाता है एक साइड तो उसको बुक कर ले मैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर दैट दिस इज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जीरो हीरो है, और जब जीरो हीरो होती है तो आपको पता है जीरो हीरो जीरो होने की क्षमता रखता है और आपको हीरो बनाने की भी क्षमता रखता है। ये जरूरी है बताना कि जीरो हीरो जीरो बना देता है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही लगता है कि नहीं ये तो हीरो ही बनाएगा। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी मेरी ये पेशकश और आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर सीखने को मिला है तो लाइक की, अगर सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस स्ट्रेटजी पर क्या लगता है, और क्या आप कभी इसको इस्तेमाल करेंगे, और जब भी आप करें तो जरूर बताइएगा कि हाँ भाई इसका लाभ हुआ नहीं हुआ। लेकिन याद रखिएगा ये स्ट्रेटजी पूरे दिन के लिए मत रख के बैठ जाना, अगर 11:30 12 के करीब लेते हो तो 1 1:15 बजे से पहले पहले इसमें निकल जाने की कोशिश कर लेना, कोशिश कर लेना, बाकी आपकी आगे मर्जी है, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम मीटिंग बहुत तेजी से हो जाती है, और अगर कहीं रेंज बाउंड रह गई मार्केट तो दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों अगला बैच आपको मालूम ही है जल्दी शुरू हो रहा है, अगर आप सीखना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी पर किस तरह काम करना है तो अगला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, 10,000 रुपीज उसका फीस है, फोन पे पेटीएम या जी पे नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, फिर बोल देता हूँ 7834876736, आप पेमेंट करके सेम नंबर पर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उम्मीद यही है कि आप लोग एक्सपायरीज में पैसा बनाएंगे और अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, और इस स्ट्रैटेजी को जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लाभ सबको मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द एक्सपायरी। बाय बाय।